ओके दोस्तों, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अभी मैं इस वीडियो में आप लोग को दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं 350 वाट का इन्वर्टर कम चार्जर दोनों है, और मैंने अभी इसमें जो है आप देख सकते हैं स्विच लगा दिया है। इस स्विच को हम बोलते हैं टू वे स्विच। इसके पीछे तीन कनेक्शन होते हैं, मीन्स थ्री लेग्स मिलती हैं देखने को, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, बीच वाली को मैंने कॉमन कर दिया, मीन्स कॉमन का मतलब बीच वाली से बैटरी का टर्मिनल जुड़ रहा है, बाकी दो से एक से ट्रांसफार्मर में डायरेक्टली जा रहा है और दूसरे से डायोड की हेल्प से जा रहा है। ठीक है, अभी दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि इस समय मैं इसको चार्जर वाले, मैंने इस पर लिख दिया है चार्जर और इधर इन्वर्टर। ठीक है, अभी मैंने चार्जर वाली तरफ इसका स्विच को हमने ऑन इस तरफ कर दिया है, और इस समय चार्जिंग पोजिशन में बैटरी को चार्ज कर रहा है। हम देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप इनपुट दी इस तरीके से, और ये सब कुछ चल के, और यहाँ से हमें ये आप देख सकते हैं कि 3.41 एम्पियर से बैटरी हमारी चार्ज हो रही है दोस्तों। ठीक है, ये रही बैटरी दोस्तों, जो कि हमारी 12 वोल्ट और 32 AH की बैटरी है, ऑटो की बैटरी है। और हम देख सकते हैं ऊपर जो सोलर चार्ज कंट्रोल है वो 10 एम्पियर का है। आज क्योंकि जो है बादलों से भरा मौसम है, धूप अच्छे से नहीं आ रही है, तो मैं इसको सोलर से चार्ज ये हो भी नहीं रही हो, मैं कर भी नहीं पा रहा हूँ, तो हम इसको अलग इस चार्जर से चार्ज कर रहे हैं। एम्पियर आप देख सकते हैं 3.41 एम्पियर है, और ये आप देख सकते हैं वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ रही है, और ये लगभग 13.7 तक वोल्टेज को ये ले जाता है। और जब जैसे ही वोल्टेज हमारी 13.7 जाएगी, ये एम्पियर भी धीरे धीरे 1 एम्पियर हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे 500 mA ही रह जाएंगे या उससे भी नीचे आ जाएंगे। ठीक है, लगभग ख़त्म जाने वाले एम्पियर कम होते चले जाएंगे जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती चली जाएगी, आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आप लोग, इस बैटरी को मैंने आज दोबारा से वाटर फिल करा है, इसको साफ़ करा है, देख सकते हैं आप ऊपर से काफ़ी साफ़ लग रही होगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको भी चार्जिंग पे लगाऊंगा, और फिर हम इसको देखते हैं चला करके किस तरीके से परफॉर्मेंस देती है दोस्तों। तो छोटी छोटी वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों, ताकि आप लोग छोटे छोटे पार्ट्स में सही जानकारी तक लेते रहें दोस्तों। जब तक के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।